नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। इस खास पेशकश में बात होगी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तैयारियों को लेकर। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान होंगे। प्रभु राम के विराजमान होने के बाद उनकी प्रतिदिन की सेवा आराधना 20 नए अर्चक यानी पुजारी करेंगे, जिसको लेकर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इन दिनों 20 नए अर्चक को प्रशिक्षण भी देने का काम शुरू कर दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से चयनित किए गए 20 अर्चक अभ्यर्थी बुधवार को ट्रस्ट कार्यालय पहुंच गए, जिसके बाद इन सभी का प्रशिक्षण सत्र शुरू हो गया। लगभग 6 महीने की प्रशिक्षण के दौरान इन्हें श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजन अनुष्ठान की विधि समझाई जाएगी और उसका परीक्षण होगा। इसी के बाद योग्य अभ्यर्थी का चयन श्री राम जन्मभूमि मंदिर और परिसर के अन्य मंदिरों में अर्चक के रूप में किया जाएगा। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की माने तो अयोध्या के अन्य मंदिरों में भी उनकी तरफ से प्रशिक्षित अर्चक की नियुक्ति होगी, तो भगवान की पूजा आराधना बेहतर ढंग से हो सकेगी। वहीं प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे अभ्यर्थी बेहद खुश नजर आए और सभी के दिल में एक ही अभिलाषा है कि उन्हें श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो सके। यह प्रशिक्षण सत्र लगभग 6 महीने का है और प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी को 2000 प्रति महीने दिए जाएंगे। ठाकुर जी की कृपा से आप देश प्रदेशवासियों को इस आज तक के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मेरा मन जब माता पिता को सबको छोड़ करके, क्योंकि मेरी संत परंपरा से हमारी दीक्षा ग्रहण हुआ है, और घर परिवार को छोड़ करके मैं अवध में निवास किया, तो रामलला का सबसे प्रथम था कि दर्शन तब करूँगा जब रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बनेगा। और हमारा सौभाग्य अति है कि 2009 से और आज मुझे प्रशिक्षक के रूप में आगे ठाकुर जी की या ट्रस्ट की जैसी बात होगी तो बहुत आनंद की बात है और बहुत हर्ष की बात है। मैं महंत पद पे भी हूँ लेकिन सब कुछ छोड़ करके एक ही अभिलाषा है कि रामलला का सेवा करने का सौभाग्य मिले। ये हमारे जीवन का प्रथम और संत का ही उपदेश होना भी चाहिए। देखिए, हमारे जो भारतीय शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, इनकी गूढ़तम जानकारियाँ भगवान राम की उपासना पूजा, गुणतम उपासना, राजोपचार पूजन इत्यादि का प्रशिक्षण हम लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा। ये अभिलाषा जब मेरा प्रशिक्षण हो रहा था, जब इंटरव्यू हो रहा था, तो यही प्रार्थना था भगवान से कि ये जो इंटरव्यू है मेरा सफल हो और मैं आपके शरण में आऊँ और प्रशिक्षण कर भी मैं प्रभु राम जी की सेवा में अनंत भाव से अपने जब तक जीवन है तब तक प्रभु राम के शरणों में रहूँ, यही हमारा अभिलाषा है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। पवन सिन्हा हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगजीतन पांडे महामंत्री अखिल भारतीय धर्म संघ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखंड प्रताप सिंह संवाददाता हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अखंड प्रताप सिंह, आपके पास मैं आना चाहूंगी और जरा समझना चाहेंगे किस तरह से जो पंडितों की वहां पर नियुक्ति होगी, जो पूजा करेंगे भगवान श्री राम की, उनको किस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कौन कौन जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है पुजारियों को, उसमें कितने पुजारियों को शामिल किया गया है? रामलला की प्रतिष्ठा से पहले अर्चकों की नियुक्ति की जानी है, जिसको लेकर के बेहद खास तैयारी की गई। ट्रस्ट ने एक नियुक्ति पत्र लोगों को दिया है, 24 लोग इसमें सफल हुए हैं, उनका प्रशिक्षण चल रहा है। उनके प्रशिक्षण के दौरान उनको 2000 रुपए महीने भी दिया जाएगा, उनके रहने खाने और उनकी भोजन की प्रबंध किए जाएंगे। तो ऐसे में ट्रस्ट यही मानता है कि जो भी भगवान रामलला के आर्चक को, जो भी पुजारी हो, वो सर्वगुण संपन्न यानी कि हर विधि विधान को जानता हो, रामानंदी संप्रदाय से सभी वेदों का जानकार हो, तो ऐसे में लगातार जो प्रशिक्षण की प्रक्रिया है वो आज से ही शुरू हो गई है कि सुबह से ही जो राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं चंपत राय जी वो थे और उनके साथ में गोविंद देवरी जी और ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष थे वो थे। तो लगातार जिस तरीके से भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारी चल रही, तो वहीं अयोध्या में जब भगवान रामलला विराजमान हो जाएंगे, उनकी सेवा के लिए, उनकी पूजा अर्चन के लिए, उनके अर्चकों की नियुक्ति के लिए ट्रेनिंग चल रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि वो हर सर्वगुण संपन्न यानी हर 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 भाषा को जाने, हर भगवान रामलला की सेवा कैसे होगी, पूजा पद्धति कैसे होगी, उनके विधि विधान कैसे होंगे, उनकी जानकारी रखने वाले ही जो होंगे उनको अर्चक किया जाएगा, जिसको लेकर के प्रशिक्षण का दौर शुरू हो गया। अयोध्या के जो संभ्रांत साधु संत हैं वो प्रशिक्षण उनको दे रहे हैं और साथ में ट्रस्ट के पदाधिकारी रहते हैं गोविंद देवगुरी जी कोषाध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में प्रशिक्षण चल रहा है। यूं माना जा रहा है कि जब भगवान रामलला विराजमान हो जाएंगे, दिव्य भाग्य महल नेतृत्व का
सबसे खूबसूरत मंदिर होगा, भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा जब हो जाएगी, भगवान जब विराजमान हो जाएंगे, तो उनके लिए जो अर्चक नियुक्त हो वो काफी, जिनको हर भाषाओं को ज्ञान, भाषाओं के साथ साथ उनको भगवान राम लला की सेवा करने या फिर उस महंत प्रक्रिया को जिस तरीके से भगवान राम लला की सेवा की जाती है, जिस तरीके से लगातार आचार्य सत्येन्द्रदास जी भगवान राम लला की सेवा करते हैं, ऐसे में ही भगवान राम लला के लिए अर्चक की नियुक्ति की जा रही है। ठीक है, अखंड प्रताप आपके पास आएंगे, हमारे साथ पवन सिन्हा जी भी जुड़ गए हैं। पवन सिन्हा जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए क्योंकि राम लला की प्रतिष्ठा का समय बहुत नजदीक है, जनवरी में प्रतिष्ठा समारोह वहां पर होना है और उससे पहले राम लला में कौन से पुजारी पूजा करेंगे, ऐसे 20 पुजारी हैं जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? और भव्यता से ट्रेनिंग दी जा रही है, बाकायदा इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि लगभग हर भाषा में जो पुजारी हैं वो माहिर हों, और ताकि हर दिन रामलला की कैसे कैसे पूजा होनी है ये खास ख्याल रखा जाए। देखिए, ये बड़ा प्रशंसनीय कदम है कि जिसमें आचार्यों की नियुक्ति की गई है, और ये जो नियुक्ति की गई इसकी जो न्यूनतम अर्हताएं रही है वह भी बड़ी प्रशंसनीय है, और निश्चित रूप से इस नियुक्ति के माध्यम से जो भी व्यक्ति वहां पर जाएंगे वो न केवल रामलला जी की अच्छे से सेवा कर पाएंगे बल्कि अच्छे से वो पूजा भी करवा सकेंगे, और जिससे भक्तों को बड़ा आनंद हलाद रहेगा। ये बात मैंने देखी है कि जिस भी मंदिर में पूजा पाठ मंत्रोच्चारण अच्छे तरीके से होता है उस मंदिर में बड़ी शक्ति जागृत होती है, और ये तो वो स्थान है जहां पर शक्तियां स्वतः मौजूद हैं। तो ये बड़ा अच्छा तरीका ढूंढा गया है कि जिसको, जिस मंदिर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लोग देख रहे हैं, और उस मंदिर के जो पुजारी हैं वो बहुत अच्छे तरीके से शिक्षित हैं और साथ ही साथ अब वो प्रशिक्षित भी होंगे, तो सराहनीय कदम है, और निश्चित रूप से ये बाकी मंदिरों में भी इस प्रकार के कदम उठाए जाएंगे जिससे कि भक्तों को अच्छे से अच्छी पूजा देखने को मिले। जगजीतन जी, आप इसे कैसे देखते हैं, जिस तरह से पवन सिन्हा जी ने कहा कि बहुत जरूरी है कि मंदिर में अच्छे से पूजा पाठ मंत्रोच्चारण हो, और यहाँ तो खुद ही स्वयं शक्ति है, और अगर यहाँ पर इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि जिन तमाम पुजारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, ऐसे 20 पुजारी हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो वहां पर उन मंत्रों का और उस तरह की पूजा पाठ कर सके, आप इस पहल को कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से प्रशंसनीय ये कदम है और होना चाहिए, पूरे भारत वर्ष में होना चाहिए। ढेर सारे मंदिरों में ऐसा होता भी है कि जब तक से प्रशिक्षण पूरी नहीं लिए रहेंगे कोई भी कार्य हो तो अब आप कुशलता से नहीं कर सकते हैं उस कार्य को, तो इसका मतलब कि हर छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान दे रहा है ट्रस्ट, तो ये प्रशंसनीय है। और विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, सनातन धर्म में जो प्रतिमाएं हैं वो तो पत्थर ही होती हैं ना, उसमें प्राण, तो जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो मंत्रों के द्वारा ही डाला जाता है, तो जब पुजारी मंत्र से ही प्रशिक्षित नहीं रहेगा, मंत्र का ज्ञान नहीं रहेगा, वेद का ज्ञान नहीं रहेगा, तो फिर वो जागृत स्थान नहीं हो सकता है, वहां शक्तियां नहीं हो सकती हैं। तो बहुत आवश्यक है कि जो भी अर्चक हो, जो भी पुजारी हो, वो पूरी तरह से प्रशिक्षित हो, और विशेष रूप से वेद के मंत्रों, निश्चित रूप से उन लोगों का चयन हुआ है तो वेद पढ़े होंगे, कर्मकांड जानते होंगे, वेदों के मंत्रों को जानते ही होंगे वो लोग, लेकिन उन मंत्रों का कैसे प्रयोग करता है रामलला जी के लिए, तो इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और ये भी प्रशंसनीय है कि चूंकि पूरे भारतवर्ष से वहां लोग आएंगे, और पूरे भारतवर्ष में विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तेलुगु है, कन्नड़ है, तो यहाँ मराठी है, गुजराती है, तो हर तरह के भक्त आएंगे पूरे भारतवर्ष से, तो इन भाषाओं की भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये बहुत प्रशंसनीय है। हमको लग रहा है कि ये पहला कोई मंदिर होगा जहां अर्चकों को भारत के लगभग सारी भाषाओं का या विभिन्न भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि अर्चक पुजारी जो होते हैं वो संस्कृत तो के ज्ञाता होते हैं, वेद मंत्रों के ज्ञाता होते हैं पढ़े, लेकिन जो और भाषाएं हैं, लोक भाषाएं हैं,
यहाँ उनका ज्ञान नहीं होता है, तो उन विभिन्न भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो भारत का पहला मंदिर होगा कि ऐसे प्रशिक्षण के साथ पुजारी रहेंगे कि कोई भी भक्त किसी भारत के किसी भी कोने से आए तो उसी की भाषा में उसको उत्तर मिले। स्वाभाविक है कि जब मंदिरों में जाता है आदमी तो जिज्ञासा होता है, बिल्कुल मंदिर के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है, और रामलला के बारे में तो हर व्यक्ति जानना चाहता है। और मुझे लगता है कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है उन्हें भी बताना जरूरी है। पवन सिन्हा जी, जिस तरह से जगजीतन जी ने कहा कि मंत्री हैं जो पत्थर में जान फूंकने का काम करते हैं, और उन्हीं मंत्रों को लेकर सबसे ज्यादा फोकस जो है वो किया जा रहा है ताकि मंत्रों का जाप और पूजा जो विधि है वो ठीक से हो सके, और इसीलिए शायद जो पुजारी हैं वो प्रशिक्षित किए जा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर पूजा अर्चना होनी चाहिए, हर दिन के हिसाब से खास पूजा का आयोजन जो है वो होगा। ये जो चीजें निकल कर आ रही हैं कि कई भाषाओं की शिक्षा जो है वो इन पुजारियों को दी जाएगी या उस भाषा की जानकारी वो पुजारी रखेंगे, क्योंकि दुनिया भर से लोग इस मंदिर को देखने के लिए आएंगे। हमने देखा है कि किस तरह से उत्साह जो है वो अभी से लोगों में नजर आ रहा है, और लगातार लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो रामलला के दर्शन करें, और कोशिश यही है कि जो पुजारी प्रशिक्षित अलग अलग भाषाओं में हो रहे हैं कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, उनको इस मंदिर के बारे में और रामलला की मूर्ति के बारे में जानकारी दे सकें। जी बिल्कुल, श्री पांडे जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल एकदम ठीक बात कही है, और मंत्र दीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और इतनी दूर से जो व्यक्ति आता उस मंत्रोच्चारण को सुनने के लिए भी आता है, और मंत्रोच्चारण जब उसके कान में पड़ता है तो एक भीतर से एक भाव उत्पन्न होता है। ये भाव स्वयं की रक्षा का भी होता है, ये भाव अपने भगवान की पूजा का भी होता है। तो इसलिए जो भी लोग वहां बुलाए गए हैं उनकी जो आहर्ता है उसमें पहली चीज तो अच्छी क्या है, 20 से 30 वर्ष के बीच की आयु, यानी ये सभी पुजारी एकदम युवा होंगे जी। इन्होंने रामानंदीय पद्धति से शिक्षा प्राप्त की हो और ये वेद विद्यालय से दीक्षित हो, तो ऐसे जो लोग होंगे उनका जो उच्चारण होगा वह एकदम शुद्ध होगा, और साथ ही साथ ये भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाला होगा। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार वहां पर बने हुए हैं, अखंड प्रताप सिंह, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, अयोध्या कितनी भव्य नजर आ रही है, अयोध्या में लगातार तैयारियां हो रही हैं, और आपसे अगर हम मंदिर के कामकाज को देखें और समझें तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि लगभग आखिरी चरण में पहुंच गया है पूरा मंदिर निर्माण, राम मंदिर निर्माण, जिसकी भव्यता को, जिसकी दिव्यता को हर जगह हर व्यक्ति सुन रहा है, देख रहा है तस्वीरों में और वहां आकर देखना चाहता है। जी बिल्कुल, देखिए भगवान राम लला का जो दिव्य मंदिर है वो लगभग बनकर तैयार हो गया है, 22 जनवरी को वहां आराध्य अपने गर्भगृह विराजमान होंगे। उससे पहले पूरी अयोध्या नेता इसकी अयोध्या दिखाई पड़ेगी, हर चौराहे हर गलियां हर सड़कों को भी सजाया जा रहा है, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अभी हमारे पीछे आप देख रहे होंगे रात दिन मेहनत करके जो कारीगर लगाए हैं इसकी भव्यता को सजाने में लगे हुए हैं, क्योंकि आराध्य जब विराजमान हो तो कोई ऐसी कमी ना रह जाए। क्योंकि जिस तरीके से त्रेता युग की अयोध्या दिखी थी वैसे अयोध्या निखारने का प्रयास किया जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं अयोध्या का दौरा करते हैं, लगातार मंदिर निर्माण के कार्यों की समीक्षा करते हैं। तो भगवान रामलला का जो दिव्य मंदिर है वो खूबसूरत मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, बस इंतजार है 22 जनवरी का। इससे पहले अयोध्या की जो चौराहे हैं उनका भी नामकरण हो रहा है, कहीं चूड़ामणि चौराहा तो कहीं लता मंगेशकर चौक, तो यूं कहा जाए पूरी अयोध्या को जिस तरीके से सजाया जा रहा है, आराध्य के दर्शन को जो राम भक्त लालायित है, लाखों की संख्या में राम भक्त इस समय अयोध्या पहुंच रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक अपने आराध्य के दर्शन करते हैं, तो पूरी अयोध्या इस समय सजकर तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देश के प्रधानमंत्री भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की साक्षी होंगे, इतने में 4,000 संत होंगे वो भी रहेंगे, 25,000 अन्य संभ्रांत लोगों को बुलाया गया, तमाम नाम की हस्तियां होंगी वो अयोध्या में मौजूद होंगी। तो इससे पहले पूरी तैयारी कर ली गई है, आप देखेंगे जिस तरीके से जो संत लोग रुकेंगे, जो संभ्रांत लोग आए उनके रुकने और ठहरने के लिए खूबसूरत टेंट सिटी बनाई गई है, उस टेंट सिटी में वो विश्राम करेंगे। तो ऐसे में जब भगवान रामलला अपने दिव्य महल में विराजमान होंगे वो तैयारी पूरी करेंगे, बालक रूपी भगवान रामलला होंगे, 5 वर्ष के होंगे, राजा के लड़के उनके हाथ कमल दल पर सवार होंगे, छत्र होगा, मुकुट होगा,
तो यूं कहा जाए कि जिसकी खूबसूरती के साथ भगवान रामलला का मंदिर बन रहा, उससे ही कहीं खूबसूरती के साथ भगवान रामलला की जो अचल मूर्ति है वो बन रही है। 32,000 से अधिक करोड़ की परियोजनाएं चल रही। मुख्यमंत्री का यही सपना है अयोध्या को त्रेता युग की अयोध्या बनाया जाए, शायद वो सपना साकार होने वाला है क्योंकि आराध्य जनवरी में विराजमान होंगे। इससे पहले पूरी राम नगरी को राममय किया जा रहा है। जो राम नगरी में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो पूरी राम नगरी की चाहे वो सेटर हो या चाहे दीवाले हो, इनसे एक अलग शंखनाद बने होंगे, भगवान रामलला बने होंगे, गगा बने होंगे, शंख बने होंगे। तो पूरी अयोध्या को जिस तरीके से सजाया गया है कि बस जनवरी का इंतजार है, लगभग मंदिर का जो काम है वो पूरा हो चुका, फर्श और दरवाजे का भी काम पूरा हो गया, बस भगवान रामलला जहां विराजमान होंगे उसका भी समय काम चल रहा है, तो वो भी इस समय सीमा तक कर लिया जाएगा। तो इससे पहले जब भी यानी कि अखंड प्रताप सिंह गर्भगृह का काम जो है वो एकदम ये कहा जा सकता है कि आखिरी चरण में लगभग पहुंच गया है। पवन सिन्हा जी, क्योंकि जिक्र कर रहे थे त्रेता युग की अयोध्या इस तरह से सजाया जाए, अयोध्या की भव्यता लोगों को इस तरह से दिखाई जाए कि एक आभास कराया जा सके कि जब भगवान राम पैदा हुए होंगे त्रेता युग में तो इस तरह की अयोध्या जो है वो रही होगी। आपने तो वेदों में पुराणों में पढ़ा होगा, बताइए जरा हमारे दर्शकों को किस तरह से ये प्रकट करने की और ये दर्शाने की कोशिश होगी। श्री रामायण में अयोध्या का वर्णन है और वह वर्णन इतना सुंदर वर्णन है, ऐसा लगता है कि बेस्ट ऑफ आर्किटेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने एक स्मार्ट सिटी रादर स्मार्टेस्ट सिटी का प्रस्ताव बनाया हो। ऐसी वह नगरी थी, चौराहे थे जगह जगह और बीच में महल था और जो वहां पर रहने की जो व्यवस्था थी, जो अधिकारियों के फ्लैट्स जिन्हें आजकल हम कह सकते हैं, वह एक निश्चित दूरी पर होते थे, बीच में रास्ते निकलते थे जिस पर राजकुमार लोगों से मिलने के लिए शाम को सज धज कर आते थे और जो 100वें सर्ग में श्री राम जी भरत जी से पूछते भी हैं कि अभी भी तुम उन रास्तों पर जाते हो। तो ये जो पूरी व्यवस्था है वहां पर, कहाँ मार्केट होना है, कहाँ मंडी होनी है, कहाँ सैनिक रहेंगे, किस द्वार से कौन आएगा कौन नहीं आ सकता, वो सारी व्यवस्थाएं वहां पर हैं और फल फूल बागीचे जल बारे बारे मतलब दूसरे किसी सेंस में वहां रहे होंगे तो, क्योंकि मोटर तो उस वक्त नहीं थी। तो इस तरीके से सरयू के जल का जो वर्णन है, ये सारे वर्णन इतने सुंदर हैं। और इसके साथ एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मुझ आप जैसे सभी लोग ये सोचते हैं कि काश ये भी भारत में हो जाए, और वो ये है कि लोग बड़े सुघड़ हैं, लोग बड़े चिंतनशील हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और उसके साथ साथ एक दूसरे से अच्छे अच्छा व्यवहार करते हैं और राज्य भी, क्योंकि राम राज्य का सिद्धांत है और सिद्धांत पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स को लिए हुए है, ये भी वहां पर कि कैसी औषधि हो, कैसी कृषि हो, कैसी तनख्वाहें हो, कैसे अपॉइंटमेंट्स हो, ये सारी चीजें हैं। तो एक तरफ लोग, एक तरफ लॉ ऑफ लैंड, एक तरफ जो बहुत सुंदर और भव्य आर्किटेक्चर, फूल वृक्ष और लोग, हर जगह हर चीज अपने तरीके से कार्य कर रही है, ऐसा वह सुंदर स्थल है। तो पुनः ऐसे स्थल का निर्माण हो, यह हम श्री राम के चरणों में सर नवाते हुए मांगते हैं उनसे। बिल्कुल पवन जी, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जब ये तस्वीरें हमारे सामने आती हैं तो मैं इन तस्वीरों को उस समय से कोरिलेट कर पा रही हूं, उन तमाम चीजों का खास ख्याल रखा गया। जगजीतन पांडे जी, आपके हिसाब से रामराज का जब जिक्र होता है, त्रेता युग की तरह अयोध्या को सजाने की बात होती है, संवारने की बात होती है, तो लगभग उसी तरह की तस्वीर आज के समय में जब हम देख रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी को सभी का को इंतजार है और सभी को इंतजार इस बात का भी है कि कम से कम ये सोच सके, ये समझ सके कि इस तरह की अयोध्या उस वक्त में रही होगी जिसे अब पूरी तरह से संवार दिया है। देखिए, जैसे पवन जी एकदम निश्चित रूप से बता रहे थे कि उस समय की जो शास्त्रों में वर्णन आता है तो वैसा ही था।
लेकिन वो त्रेता तो त्रेता था, आज कलयुग में है हम लोग, लेकिन आता है रामचरितमानस में कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हुआ नहीं व्यापा। तो कोई भी व्यक्ति था, तीन तरह के ताप बताए गए हैं हमारा, दैहिक मतलब शारीरिक, दैविक ईश्वरीय और भौतिक। तो ये तीनों ताप, और ये नहीं कि कुछ लोगों को, पूरे समाज में किसी को नहीं, ये तीनों ताप से कोई भी पीड़ित नहीं था। और जैसा बता रहे थे पवन जी कि परस्पर एक दूसरे से लोगों का व्यवहार बहुत सुंदर था, आनंद से पूरी अयोध्या रहती थी। तो आज की अयोध्या भी निश्चित रूप से आज जो चीजें उपलब्ध हैं, जो भवन का उपलब्धता है, तो वो निश्चित रूप से उसी तरह से सजाई जा रही है और सजेगा। इसलिए सजेगा, मैं मानता हूं कि ये ईश्वरीय कार्य हो और ईश्वरीय कृपा से हो रहा है, भगवान राम लला की कृपा से ही हो रहा है। तो निश्चित रूप से आज जो भी चीजें उपलब्ध हैं, भौतिक संसाधन जो भी उपलब्ध हैं, उससे अयोध्या निश्चित रूप से, और इसके लिए हमारे सारे लोग लगे हुए हैं और सबके मन में उल्लास है, क्योंकि 500 वर्षों के बाद यह अवसर आया है कि हम अयोध्या को उस रूप में सजाएं और विकसित करें, और परस्पर सभी लोग एक दूसरे से आनंदित रहें, एक ऐसा व्यवहार रहे, ऐसा आध्यात्मिक वातावरण बने, ऐसा धार्मिक वातावरण बने। तो निश्चित रूप से यह वातावरण बन रहा है, बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए क्योंकि भगवान राम की कृपा से ये कार्य हो रहा है और उन्हीं की कृपा से भव्यता और दिव्यता लिए हुए अपनी अयोध्या है। बिल्कुल जगजीतन जी, वो धार्मिक और एक तरह से आध्यात्मिक माहौल वहां पर बन रहा है और सरकार इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अखंड प्रताप सिंह जी, पिछले समय में हम बात करें, क्योंकि हमने देखा है लगातार अयोध्या को लेकर तमाम ऐलान किए गए हैं, चाहे वो हम एक तरह से देख सकते हैं स्मार्टेस्ट सिटी के रूप में अयोध्या को विकसित करने की कोशिश और वर्ल्ड वाइड लेवल पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्शक हैं, ज्यादा से ज्यादा जो टूरिस्ट हैं, वो अयोध्या आ सके और यहां पर राम मंदिर की भव्यता देख सके। सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए गए, तमाम कोशिशें की गई और जमीनी स्तर पर वो कोशिशें और वो प्रयास भी नजर आए, क्योंकि एक बदली हुई तस्वीर अयोध्या की नजर आई पिछले सालों में, अगर हम अब कंपेयर करें। जी बिल्कुल, देखिए पूर्ववर्ती सरकारें में जिस तरीके से अयोध्या में लोग आने से कतराते थे, चाहे राम की पैड़ी का स्थान हो, फिर अयोध्या की सड़की या गलियां हो, ऊपर सावर गलियां रहती थी, राम की पैड़ी का स्थान तो गाय की गोबर मिलती थी या फिर अन्य चीजें मिलती थी। तो ऐसे में सरकार ने लगातार, जैसे सरकार आई है, सरकार की यही मंशा है, भगवान राम मंदिर के पक्ष में जैसे फैसला आया है, लगातार अयोध्या में विकास हो रहा है। तीन ऐसे पथ कद रहे भक्ति पथ, राम जन्मभूमि पथ और राम पथ, ये तीनों पथ अपने आप में अलौकिक है, क्योंकि भगवान राम लला के जीवन से ही जुड़े उनके स्तंभ लगाए जा रहे हैं, हर चौराहे पर एक अद्भुत नक्काशी की जा रही थी कि जब भी भगवान राम लला के जो भक्त हो अयोध्या पहुंचे, उनको एहसास कराया जाए कि वो राम की नगरी में है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, फिर श्री राम एयरपोर्ट हो या फिर बस स्टेशन हो, ये तीनों लगभग बनकर तैयार हो गए हैं। भगवान राम की नगरी में जो भी भक्त आना चाहते, चाहे हवाई यात्रा से या फिर रेलवे स्टेशन से या बस स्टेशन के माध्यम से, वो अयोध्या पहुंचकर उनको ये आभास हो जाएगी कि वो राम की नगरी में। जिस तरीके से लगातार योगी सरकार और केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, काम कर रही है, तो धरातल पर काम दिखाई पड़ा, क्योंकि अयोध्या में लगातार जिस तरीके से श्रद्धालु पहले कतराते थे, अब लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य का दर्शन करने आते हैं। दिव्य और भव्य अयोध्या बनकर सजकर संवरकर तैयार हो गई है। जहां पर अयोध्या में घुसते ही, प्रवेश करते ही ये देखा जाता था कि गाड़ियों के हुजूम लगे रहते थे, तमाम प्रकार की बैरिकेटिंग रहती थी, लेकिन अब उससे निजात मिल गया। पूरी अयोध्या की जो सड़कें गलियां हैं, 64 ऐसी गलियां जिनको 4 लेन किया गया, भगवान राम की नगरी से जोड़ा गया, कोई भी श्रद्धालु भगवान राम की नगरी में आएगा तो बेझिझक, यूं कहा जाए कि पार्किंग से लेकर के सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है। तो पूरी अयोध्या में जिस तरीके का माहौल है, वो त्रेता का माहौल है, भगवान राम की नगरी में जो भी पग पैदल चलना चाहे उनके पांव में छाले न पड़े, ऐसी सड़कें बनाई जा रही हैं, ऐसे राम जन्मभूमि पथ हो या भक्ति पथ हो या फिर राम पथ हो, तीनों पथ अपने आप में अलौकिक है। तो अयोध्या लगातार विकास की लय की, अयोध्या जल्दी जिसके मानसिक पर स्थापित होगी, अयोध्या की जितनी सड़की गए उनके साथ साथ अयोध्या को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, और साथ में एक नई अयोध्या, 90 अयोध्या का भी विकास चल रहा है कि अयोध्या में जो भी राम भक्त अगर अयोध्या में बसना चाहते हैं उनके लिए भी लगातार सरकार व्यवस्थाएं कर रही है। ठीक है, चलिए अखंड प्रताप जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पवन सिन्हा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और जगजीतन पांडे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अयोध्या को किस तरह से भव्य रूप देने की कोशिश यहां पर लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है। 22 जनवरी का वो दिन जब रामलीला
विराजमान होंगे गर्भगृह में और उस दिन का सभी को इंतजार। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।